नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि है और मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो दूं जिससे सभी लोगों को फायदा हो। प्रेडिक्शंस वगैरह तो चलता रहता है। आज हम एक ऐसे डरावने योग की बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि यह किसी की कुंडली में हो तो वह भले ही राजा के घर में पैदा हो लेकिन उसको रंक बना देता है योग। इसलिए इसको दरिद्र योग भी कहते हैं और इसको केंद्रम योग के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा से बनने वाला योग है और चंद्रमा इसमें अफेक्टेड होता है, इसलिए हमारा मन अफेक्टेड होता है। और यदि आपका मन अफेक्टेड है तो आपकी तरक्की, आपकी डिसीशन मेकिंग कैपेबिलिटीज, आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं, आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप बहुत जल्दी दूसरों का मजाक उड़ा देते हैं, पेशेंस आप में नहीं होता है, प्लानिंग की कमी होती है, प्लानिंग यदि कर भी लेते हैं तो एग्जीक्यूशन की कमी होती है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको होते हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये योग, इससे जितना डराया गया है क्या वो सही है, क्या हमारी कुंडली में ही इस योग के काट मौजूद हो सकते हैं, या यदि मौजूद नहीं भी हैं इसके काट तो क्या छोटे छोटे चीजों को करके इस योग के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं या इसको खत्म कर सकते हैं क्या। यह एक बहुत ही जनोपयोगी वीडियो है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए। फ्रेंड्स, केमद्रम योग उसको कहते हैं, वराह मिहिर जी कहते हैं अपने किताब में कि चंद्रमा से आगे वाले घर में यदि कोई ग्रह नहीं हो और चंद्रमा से पीछे वाले घर में भी यदि कोई ग्रह नहीं हो तो इसको केमद्रम योग कहते हैं। इसमें राहु और केतु को ग्रह के रूप में काउंट नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब यदि आपके चंद्रमा के आगे राहु या चंद्रमा के पीछे भी राहु या केतु हो तो खुश मत हो जाइएगा कि मेरे कुंडली में केमद्रम नहीं है। राहु और केतु को एक्सक्लूड करके चलिएगा। तो चंद्रमा के आगे और पीछे, यानी कि चंद्रमा से दूसरे भाव में और चंद्रमा से बारहवें भाव में यदि कोई भी प्लैनेट नहीं है तो आपकी कुंडली में केमद्रम योग है। और इसी केमद्रम योग को बहुत सारे लोग दरिद्र योग भी कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन इसके बहुत सारे काट भी हैं, डरने की बहुत जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली में ही आप गौर से देखेंगे तो हो सकता है इसका काट आपको मिल जाएगा। सबसे पहला काट, यदि चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में तो केमद्रम योग का असर वैसे ही कम हो जाता है। दूसरा काट, यदि चंद्रमा केंद्र में नहीं भी है लेकिन यदि किसी बेनिफिक प्लैनेट, किसी अच्छे प्लैनेट के भाव में, राशि में बैठा हुआ है तो भी केंद्रम योग कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। अच्छे प्लैनेट यानी कि बेनिफिक प्लैनेट यानी कि शुक्र, बुध और गुरु। तीसरा काट, यदि चंद्रमा पर किसी बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि है तो भी केंद्रम योग खत्म हो जाता है। चौथा काट, यदि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ हो, मंगल, शनि, बुध, गुरु, शुक्र, तो भी केमद्रम खत्म हो जाता है। हाँ, शनि जब बैठेंगे चंद्रमा के साथ तो विष योग फॉर्म होगा, सूर्य यदि चंद्रमा के साथ रहेंगे तो अमावस्या योग होगा, यदि राहु केतु के एक्सिस में चंद्रमा रहेंगे तो ग्रहण योग होगा। ये सब भी चंद्रमा का अफ्लिक्शन है। तो मेरे समझ से पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा केमद्रम योग होता क्या है। चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं हो तो केमद्रम योग। अब केमद्रम योग का जो इफेक्ट्स मैंने बताया था तो ये तो बहुत डराने वाले इफेक्ट्स हैं। आप यदि राजा के घर में पैदा हुए हो और आपको रंक बना दे तब तो इससे बहुत डरने की जरूरत है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने भी अपने लाइफ में हजारों कुंडलियाँ देखी हैं और उसमें से बहुत सारे लोगों की ऐसी देखी हैं जो हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं, मतलब उनके जीवन को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। केमद्रम योग से उतना डरने की आवश्यकता नहीं है जितना हम लोगों को डराया गया है। मैंने तो यहां तक देखा है कि केमद्रम योग कुछ लोगों की कुंडली में
बहुत अच्छे लोगों की कुंडली में भी है। और फिर जब मैंने बहुत गौर से देखा तो मैंने ये देखा कि इन लोगों को नॉलेज बहुत अच्छा होता है, केंद्रम योग जिनके भी कुंडली में होता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि नॉलेज को वो खुद व्यक्तिगत रूप से एग्जीक्यूट करने में ज्यादा सक्षम नहीं होते। अब इसका एग्जाम्पल यदि मैं दूं तो केंद्रम योग वाला व्यक्ति बहुत अच्छा जनरल बन सकता है, सेनाध्यक्ष बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन खुद जब मैदान में लड़ने की बात आएगी तो शायद वो बहुत अच्छे से नहीं लड़ पाएगा। तो ये डिफरेंस होता है। या फिर उसको इस तरीके से देख लीजिए कि कोई व्यक्ति यदि डॉक्टर बनता है तो वह डॉक्टरी को, डॉक्टरी विद्या को समझा बहुत अच्छे से सकता है, स्टूडेंट्स के बीच में एक प्रोफेसर का काम बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन खुद जब वो प्रैक्टिस करने जाएगा मेडिकल प्रैक्टिस तो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। सो कहा जाता है कि केंद्रम योग के साथ ये जो थ्योरेटिकल व्यक्ति होते हैं इनके साथ यदि किसी प्रैक्टिकल व्यक्ति का साथ मिला दिया जाए तो फिर बहुत कमाल करते हैं ये लोग। या वैसे भी मैंने देखा है केंद्रम योग प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स में भी खास करके जो पढ़ाने वाले प्रोफेशन में है, एस्ट्रोलॉजर्स, प्लानर्स, इन सभी की कुंडलियों में भी मैंने केंद्रम योग देखे हैं और केंद्रम योग अच्छा रिजल्ट देता है। केंद्रम योग आपको यदि बुरा रिजल्ट देता भी है तो आपको लड़ने की शक्ति भी वही देता है। मैंने हाल फिलहाल में कई ऐसी महिलाओं की कुंडली देखी है जो अपने फैमिली पर पूरा ध्यान था उनका, अमेरिका में विदेश की सरजमी पर थी, और उनका हस्बैंड एक बार उनको छोड़ के चला जाता है 2 बच्चों के साथ और वो महिला बिल्कुल जीरो पर आ जाती है, लेकिन वहां से वो लड़ती हैं, खड़ी होती हैं और आज बहुत अच्छा करियर चला रही है और अब उनका पति भी वापस आना चाह रहा है। सो केंद्रम योग आपको लड़ने की शक्ति भी देता है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल सिंपल उपाय भी बताता हूँ केंद्रम योग का, जो हर कोई कर सकता है। और जो उपाय मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ केंद्रम ही नहीं, चंद्रमा यदि आपका पीड़ित है किसी भी बुरे योग से, उसमें विष योग भी आता है, उसमें अमावस्या योग भी आता है, उसमें ग्रहण योग भी आता है, पाप कर्तरी आता है, चंद्रमा के आगे पीछे कोई पाप ग्रह हो तो उसमें भी, ये सारे उपाय आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे। सबसे पहला और सबसे बेस्ट उपाय केंद्रम का या चंद्रमा से रिलेटेड किसी भी बुरे योग का, मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपका मन शांत होता है, यानी कि आपका चंद्रमा शांत होता है। मेडिटेशन से आपके ब्रेन का वो रीजन जो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है वो स्थिर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा हाइपोथैलेमस रीजन, हमारी त्रिवेणी जो तीनों ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, हाइपोथैलेमस, इन तीनों ग्लैंड्स का डायरेक्ट संबंध है हमारे चंद्रमा के साथ। महिलाओं की कुंडलियों में मैंने देखा है जिन कुंडलियों में भी चंद्रमा खराब है वैसी महिलाओं को हार्मोनल प्रॉब्लम्स मैंने अक्सर देखा है। सो मेडिटेशन एक बहुत ही बढ़िया उपाय है चंद्रमा के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन। दूसरा बहुत सिंपल उपाय जो हम सभी लोग कर सकते हैं, खूब पानी पीजिए। चंद्रमा लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बॉडी में 70% लिक्विड है। आप ज़्यादा पानी पीजिएगा, आपका चंद्रमा, आपका बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस सब कंट्रोल में रहेगा। बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। आरओ का पानी, हम लोग जो आरओ का पानी पी रहे हैं उसमें मिनरल्स निकल जाता है, तो कोशिश कीजिए मिनरल युक्त पानी पीजिए, तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस में रहेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीज बैलेंस में रहेंगे तो आपका बॉडी का नर्वस सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा। तीसरा उपाय, चंद्रमा को शिव के साथ जोड़कर देखा जाता है। आप शिव जी को देखिएगा, वो चंद्रमा धारण किए हुए हैं अपने सिर पर। शिव जी की उपासना किसी भी फॉर्म में चंद्रमा को बहुत हेल्प करता है। सोमवार ये शिव जी का भी दिन है, सोमवार चंद्रमा का दिन है, सोमवार के दिन शिव जी का जलाभिषेक कीजिए। प्रदोष काल शिव जी को बहुत पसंद है, त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल आता है शाम को, प्रदोष काल में शिव जी की कोई भी उपासना कीजिए। चौथा उपाय, पूर्णिमा को चंद्र दर्शन जरूर कीजिए और चंद्रमा का कोई मंत्र, ओम सोमाय नमः या शिव जी का कोई मंत्र पढ़िए। पांचवा और बहुत कारगर उपाय, अपने बर्थडे के दिन महामृत्युंजय मंत्र कम से कम 108 बार पढ़िए। छठा उपाय, सफेद वस्तुओं का दान, खास करके खाने पीने के वस्तुओं का दान अमावस्या के दिन कीजिए। चीनी है, दूध है या खीर बनाकर मंदिर में दे दीजिए, गुरुद्वारे में दे दीजिए,
गरीब आदमी को दे दीजिए, इन सभी चीजों से चंद्रमा बहुत अच्छा होगा। बेस्ट उपाय चंद्रमा का, अपनी माँ का और किसी भी बुजुर्ग महिला का सेवा जरूर कीजिए, और उसमें सबसे पहले अपनी माँ आती है। ऐसा नहीं आपकी माँ अपने घर में पीड़ित हो और बाहर आप महिलाओं का सेवा करते फिरें, कोई फायदा नहीं होगा। ओल्ड एज होम में बुजुर्ग महिलाओं के साथ जाकर समय बिताइए, चंद्रमा के लिए एक्सेलेंट रेमेडी है। दक्षिणावर्ती शंख रखिए अपने घर में और उस शंख में पानी डालकर शिव जी का अभिषेक किया कीजिए, लक्ष्मी जी का अभिषेक किया कीजिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। चांदी का स्क्वायर पीस, सिल्वर को चंद्रमा के साथ एसोसिएट करके देखा जाता है, छोटा सा चांदी का पीस 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर बनवा लीजिए, किसी भी सोनार के यहाँ 150-200 रुपए में बन जाएगा। उसको पेंडेंट के रूप में गले में पहन लीजिए या जेब में रखे रहिए, चंद्रमा आपका बहुत ठीक रहेगा। गाली गलौज मत कीजिए, वाणी दोष से बचिए, चंद्रमा आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, रात में नींद अच्छी आएगी, डिसीशन ले पाएंगे। सो फ्रेंड्स, चंद्रमा के लिए एक से एक उपाय है। उपवास आप कर सकते हैं सोमवार के दिन या पूर्णिमा के दिन, और इन सभी चीजों को करने से चंद्रमा के जितने भी दोष हैं आपके, मैंने सभी का नाम बताया, सबसे मुख्यतः उसमें केंद्रम दोष या दरिद्र दोष जो है वो आपका खत्म होगा। विष योग जिसमें शनि और चंद्रमा साथ में बैठे हैं वो खत्म होगा। राहु चंद्रमा यानी राहु केतु के एक्सिस में चंद्रमा है, ग्रहण योग है तो वो भी शांत हो जाएगा। यदि अमावस्या योग है, सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, वो भी चंद्रमा का एक अफ्लिक्शन है, उसमें भी बहुत लाभ मिलेगा। पाप कर्तरी योग है, चंद्रमा के आगे पीछे पाप ग्रह हैं, उसमें भी बहुत लाभ मिलेगा। और ये मैंने जितने भी उपाय बताए हैं फ्रेंड्स, ये सब बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल उपाय हैं। पानी पीना, चांदी का टुकड़ा रखना, है ना, मेडिटेशन करना, कोई खर्चा नहीं, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं, खीर बना के गरीबों को खिला देना, ये सब आप बहुत आराम से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही था नवरात्रि में एक पॉजिटिव मैसेज, एक बढ़िया रेमेडी आप लोगों के सामने लेकर आना था, वो मैं आज लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस नवरात्रि में इसका फ़ायदा मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।